और इनमें तब्दीली की जा रही है। फवाद मलूक को लाया गया है नौशेरा रोडन की जानिब से, जबकि स्ट्राइक पर मौजूद है मोहम्मद यासर। फ्लाइटी डिलीवरी अपील की है यहाँ पर, लेकिन फवाद बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे इस अपील में। निकल खेलना चाहते थे मोहम्मद यासिर और द मैजिशियन फवाद मलूक ने यहाँ पर अपना काम कर दिखाया है। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई है और मोहम्मद यासिर, जिन्होंने अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया था, लेकिन पावर प्ले के बाद अपने विकेट गवा बैठे हैं। स्टंप किया है आजम ने और इसी के साथ पहला नुकसान तकरीब बदलान को। और अब बैटिंग करने के लिए आए हैं कप्तान, जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार टच में है, सज्जाद अली हाशमी, जिनका शुमार मर्दान के टॉप प्लेयर्स में होता है। तीन फील्डर्स ऑन साइड पर है, जबकि इसके अलावा छह फील्डर्स ऑफ साइड पर। फवाद एक मरतबा फिर तैयार। गेंद की सजाद को सजाद ने गाइड किया लॉन्ग ऑन की जानिब, जहां पर फैसल मौजूद है, एक रन का इजाफा। स्लिप रखा गया है यहां पर हमजा के लिए, चूंकि इनाम खुद मौजूद है स्लिप पर। इस मरतबा गेंद हवा में है, लेकिन फील्डर के पहुंच से ये गेंद दूर थी, क्योंकि मंसूर मौजूद जरूर थे लेकिन गेंद तक ना पहुंच सके। ये ढेला शॉट था हमजा का, एक रन हासिल कर पाए। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ लैप किया है सजाद हाशमी ने, लेकिन फाइन लेग पर फील्डर मौजूद थे और कमाल की रनिंग, दूसरा रन भी हासिल करने में कामयाब हुए। इसी के साथ फवाद का कामयाब ओवर अख्तितम को पहुंचा, जिसमें यासिर की विकेट मिली है। 47 एक विकेट के नुकसान पर तकबई बातुरान 7 ओवर्स के बाद 47। इनाम खान कंटिन्यू करेंगे मर्दान एंड की जानिब से, जबकि हमजा है स्ट्राइक पर। यहाँ पर स्ट्रोक के लिए लॉन्ग ऑन की जानिब, लेकिन एक ही रन हासिल कर पाएंगे। और अब कप्तान सामना करेंगे, कप्तान का इनाम खान का सामना है सजाद से, जबकि
फील्ड को अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही है, चूँकि लेफ़्ट और राइट हैंड का कम्बिनेशन है तकबई बातुरान का। इस मरतबा सजाद के लिए शॉर्ट फाइन लेग की जानिब, लेकिन अच्छी फील्डिंग, किसी रन का इजाफा नहीं। यंग अंडर 19 के प्लेयर मौजूद है शॉर्ट फाइन लेग पर। इनाम एक मरतबा फिर आए गेंद की सजाद को, जिसे सीधा बल्ले के साथ के लिए लॉन्ग ऑन की जानिब, और स्ट्राइक को बहुत ही खूबसूरती से रोटेट कर रहे दोनों बल्लेबाज। इस मरतबा खट करना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे गेंदबाज आजम फारूक की ग्लव्स में। निकल कर खेलना चाहते थे हमजा बादशाह और अपनी विकेट गवा बैठे हैं। बहुत ही खूबसूरत खेल पेश करने के बाद हमजा यहां पर आउट हुए और सजाद बिल्कुल नाखुश नजर आए, चूंकि वो यही कह रहे कि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी शॉट की, लेकिन हमजा चाहते थे कि होती पर प्रेशर आयद कर सके, ऐसा हो ना सका, लेकिन अपनी विकेट ज़रूर गंवाई है। 49 पर 2 खिलाड़ी आउट तकबई बादुरान के। ये इनाम का 3रा ओवर है जबकि मजमूई तौर पर यह 8वां ओवर है और अब बैटिंग करने के लिए आफाक अहमद आए हैं, एक और बहुत ही खूबसूरत प्लेयर है। आफाक अहमद अब स्ट्राइक पर मौजूद होंगे, सामना करेंगे इनाम का। इनाम जो कि अब तक 20 रन दे चुके हैं, ये उनका 3रा ओवर है। इनाम गेंद करेंगे आफाक को, आए गेंद की जिस पर दिफाई अंदाज अपनाया है। इसी के साथ एक और खूबसूरत ओवर इख्तिताम को पहुंचा है तकबई बातुरान 49 पे 2। अपने दोनों ओपनर्स को गवा चुकी है तकबई बातुरान। दोनों ने अच्छा खेल पेश किया लेकिन कंटिन्यू ना कर सके और फवाद मलूक एक मरतबा फिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पर सिंगल हासिल किया सजाद ने। इस मरतबा गाइड किया है ऑन साइड की जानिब और आफाक अहमद ने यहाँ पर रन हासिल किया है। 50 रन भी मुकम्मल हो चुके हैं, यहाँ पर स्कोर 50 से बढ़ता हुआ 51 इस वक्त स्कोर है 51। फवाद स्वीप करना चाहते थे सजाद, लेकिन स्पिन मिला है यहाँ पर शार्प स्पिन फवाद को। गेंद अवे गई है सजाद से।
इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती से स्वीप किया है, फील्डर गेंद को देखते ही रह गए और गेंद बाउंड्री से बाहर। पहला चौका है सजाद हाशमी के बल्ले से, बहुत ही खूबसूरती से इसे स्वीप किया और एहतशाम गेंद को देखते ही रह गए। फवाद इस मरतबा गेंद काफी नीचे रही, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया फाक ने। तमाम व्यूअर्स को ये भी बताते चले कि पिछले मैच में सजाद हाशमी और आफाक अहमद को बेहतरीन कारगिर्दगी पर AK-48 स्पोर्ट्स की जानिब से ग्लव्स और पैड्स भी दिए गए थे दोनों प्लेयर्स को। न्यू सेट था और ये इनकी कारगिर्दगी की बिना पर उनको दिया गया था क्योंकि दोनों ये बहुत ही स्टार प्लेयर्स हैं। AK-48 जो कि हमारे साथ थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में अपने फ़राइज़ दे रही है, हर मैच में मर्द मैदान को वो अपना शर्ट तोहफे में पेश करते हैं, हम इनके भी बेहद मशहूर है। आफाक अहमद बिल्कुल तैयार है, स्ट्राइक पर मौजूद है। इस मरतबा गाइड किया है लेकिन शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद थे, किसी रन का इजाफा नहीं। सीधा बल्ले के साथ गाइड किया है लॉन्ग ऑन की जानिब जहां पर फील्डर मौजूद है, किसी रन का, आई बेग योर पार्डन, एक रन जरूर हासिल किया है आफाक ने और इस एक रन के साथ अब सजाद हाशमी सामना करेंगे इनाम का ये आखिरी ओवर है। स्वीप किया है यहां पर और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद, अपील की इनाम ने और मुनीर अहमद की उंगली फिजा में बुलंद, इस बात की अलामत है कि सजाद हाशमी लेग बिफोर विकेट आउट और जबरदस्त बॉलिंग इनाम की जानिब से, ये उनका दूसरी कामयाबी है अपने आखिरी ओवर में। यहां पर सजाद हाशमी को आउट करने में कामयाब हुए। इनाम खान ने खुद पर पूरा इत्मीनान था, पूरा इत्मीनान था उनको अपने आप पर और डिलीवर किया यहां पर अपनी टीम के लिए। इससे पहले ओवर में हमजा को आउट किया और अब सजाद को आउट किया है। 56 रन पर 3 खिलाड़ी आउट है तखबई बातुरान के। और यहां पर रन रेट को भी काफी कंट्रोल किया है हुदी मर्दान जलमी ने क्योंकि ये 10वें ओवर का खेल जारी है और 56 है मजमूई स्कोर। अपने व्यूवर्स को बताते चले कि 6 ओवर्स के बाद 43 मजमूई स्कोर था और अभी 10वें ओवर में हम पहुंचे और स्कोर 56 है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक यहां पर रन्स की रफ्तार को रोका है होती मर्दान जलमी ने। अब बैटिंग करने के लिए आए हैं अवैस अकबर जो कि तखबई बातुरान के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, छोटे कद के मालिक है लेकिन शॉट्स इनके बहुत ही बड़े हैं। इनाम आए गेंद की जिसे कट किया है अवैस ने लेकिन अच्छी फील्डिंग, पॉइंट पर एहतशाम मौजूद थे, किसी रन का इजाफा नहीं। काफी स्पिन ऑप्शंस मौजूद है होती मर्दान जिल्मी के पास। गाइड किया अवैस अकबर ने, एक रन का मजीद इजाफा, इसी के साथ एक कामयाब ओवर
इख्तिताम को पहुंचा है। होती मर्दान जलमी का 10 ओवर्स के बाद 57-3 विकेटों के नुकसान पर तखबई बातुरान। और हम एहतिशाम की बात कर रहे थे तो एहतिशाम ही को लाया गया है बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि पिछले मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे लेकिन आज वो टीम का हिस्सा बने हैं। एहतिशाम जो कि पिछले मर्दान सुपर लीग में काटलंग पख्तून का हिस्सा थे लेकिन उसके बाद रिलीज हुए और होती मर्दान जिल्मी ने इनको पिक किया था। और फवाद मलू की अगर बात करें जो कि आज विकेट भी हासिल किया, उन्होंने ये पिछले MSL में तखबई बातुरान का हिस्सा थे लेकिन उसके बाद तखबई बातुरान ने उनको रिलीज़ किया और होती मर्दान जिल्मी ने अपने पहले ही पिक में उनको सेलेक्ट किया। और एहतिशाम अपनी पहली गेंद पर कामयाबी उन्होंने हासिल की है। गेंद काफ़ी नीचे रही है और अवैस अकबर इज बैक टू द पवेलियन। ज़्यादा ट्रबल नहीं कर पाया आज अवैस अकबर स्कोरर को, ना ही अपोजिशन को। एहतिशाम की जो तब्दीली की गई यहाँ पर इनाम ने वो उनके हक में गई है और पहली गेंद पर कामयाबी। क्या करा दे प्लेयर नूम दर्जी बैट्समैन करा। और अब बैटिंग करने के लिए आए हैं यासर अली। देखना पड़ेगा कि वो अब एहतिशाम को किस तरह से खेलते हैं। अंडर 19 के प्लेयर है। गाइड क्या है पहली गेंद को मिड विकेट की जानिब जहां पर हारून मौजूद है, एक रन का इजाफा। यासर अली एक मरतबा फिर स्ट्राइक पर। कट जरूर किया है लेकिन फील्डर मौजूद है, किसी रन का इजाफा नहीं। बहुत ही जबरदस्त ओवर है एहतिशाम का। और थोड़ी सी आपिश थी लेकिन एहतिशाम के पहुंच से दूर। इसी के साथ एक कामयाब ओवर इख्तिताम को पहुंचा है एहतिशाम का, जिसमें अवैस अकबर की विकेट हासिल की। 11 ओवर्स के बाद 59 मजमूई स्कोर है 4 विकेटों के नुकसान पर।
और बॉलिंग में तब्दीली की जा रही है। पहली मरतबा इस इवेंट में हम देखेंगे कि फैसल आफरीदी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। फैसल जो कि ओपनिंग करने के लिए आते हैं, बल्लेबाज है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, लेकिन आज इनाम खान चाहते हैं कि वो अपने बॉलिंग के जो उनमें बॉलिंग का टैलेंट मौजूद है वो भी शोकेस करें। पहली गेंद करेंगे आफाक को, राइट आर्म ऑफ स्पिनर फैसल आफरीदी। और बहुत ही खूबसूरत गेंद सीधा ही आजम फारूक के ग्लव्स में। आफाक अहमद यहाँ पर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं अपनी टीम के लिए, अगर जब तक वो मौजूद होते हैं तो तकबई बातुरा ने कच्चे स्कोर को टारगेट करेंगे। और एक बहुत ही तेज रन हासिल किया है। हारून वाहिद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, शाहीन क्लब की जानिब से खेलते हैं। इस मरतबा गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे और एक खूबसूरत कैच, और जो तब्दीली की गई यहां पर इनाम ने वो बिल्कुल उनके हक में गई है। फैसल आफरीदी ने अपने पहले ही ओवर में कामयाबी हासिल की और यासिर अली को उन्होंने आउट किया है। बहुत ही खूबसूरत चेंज इनाम खान की जानिब से, और आधी टीम तक भाई बातुरान की पवेलियन वापस लौट चुकी है। और अब बैटिंग करने के लिए आए हैं शकील अहमद जो कि लवंगीन के नाम से जाने जाते हैं। एक और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं शकील, अमूमन डेथ ओवर्स में खूबसूरत बैटिंग करते हैं, लेकिन आज उनको यहाँ पर मौका दिया गया है कि वो आफाक के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप को बिल्ड करें। फैसल एक मरतबा फिर आए गेंद की आफाक को, किसी रन का इजाफा नहीं। इस मरतबा गेंद लेग स्टंप से बाहर थी और जबरदस्त फील्डिंग किया, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर ने दूसरा रन, और थोड़ी सी अगर बेहतर थ्रो होती तो यकीनी तौर पर आफाक अहमद का सफर यहीं पर खत्म हो सकता था। आमिर भाई दे साद होगा ना, साद अली थे फील्डर जो कि अंडर 19 के प्लेयर हैं और बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग की है। यहां पर उन्होंने यकीनी तौर पर बाउंड्री रोकी है। एहतिशाम कंटिन्यू करेंगे नौशेरा एंड की जानिब से, जबकि उनका सामना करेंगे पहली मरतबा शकील खान। शकील जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इस मरतबा पिच थी लेकिन अब शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के पहुंच से दूर थी, साथ थे फील्डर। आज मोहम्मद यासर को टीम से ड्रॉप किया है होती मर्दान जिल्मी ने जो कि पिछले मैच में उनका हिस्सा थे। सीधा बल्ले के साथ खेले लेकिन फवाद मौजूद थे। काफी स्पिन ऑप्शंस मौजूद है यहाँ पर, फवाद मलूक, एहतिशाम, इनाम खान, फैसल आफरीदी, ये तमाम स्पिनर्स हैं यहाँ पर। बहुत ही जबरदस्त गेंद, कमाल की गेंद एहतिशाम की जानिब से। कंजेकटिव डॉट्स यहाँ पर एहतिशाम की जानिब से, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। जब तक शकील और आफाक मौजूद होते ये डॉट बॉल भी इतना फ़र्क उनका नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों नॉर्मली इस तरह के प्लेयर्स हैं कि ये डेथ में हिटिंग कर सकते हैं।
और कैच ड्रॉप किया यहाँ पर मेरे ख्याल से इनाम खान थे, और जी बिल्कुल लीडिंग एज लगी थी, लेकिन काफ़ी टाइम भी मिला था, लेकिन इनाम मिस जज कर गए। और अगर ये कैच हासिल कर पाते तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होती था भाई बहादुरान। प्लान उनका अच्छा था, स्लिप पर खुद मौजूद थे, स्विंग भी मिली, शार्प स्पिन मिली यहाँ पर ऐसे शाम को, लेकिन इनाम कैच को पकड़ नहीं सकी। इस मरतबा गेंद फाइनल की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए। इसी के साथ एक और ओवर इख्तिताम को पहुंचा है इत्तेशाम का। 13 ओवर्स के बाद 66 पांच विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 36 गेंदों पर सिर्फ 24 रन आए और 5 विकेटें हासिल किए होती मर्दान जलमी ने, तो यह बहुत ही कमाल की कमबैक किया है। अगर ये कैच हासिल कर पाते इनाम खान तो ये छठी कामयाबी होती मर्दान जलमी के लिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत रहे शकील, और एक मरतबा फिर अब फैसल आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जबकि स्ट्राइक पर मौजूद है आफाक। दिफाई अंदाज आफाक का, फैसल आए गेंद की गाइड किया है, रन आउट हो सकते हैं, लेकिन फील्डर गेंद को सही से कलेक्ट नहीं कर पाए, 7 थे फील्डर। थोड़ी सी यहां पर फील्ड को इंप्रूव करनी होगी होती मर्दान जलमी को, अगरचे आप अच्छी फील्डिंग के जरिए रन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और विकेटें भी हासिल कर सकते हैं। मर्दान T20 कप का बहुत ही खूबसूरत मैच जारी है, जिसका तमाम तर क्रेडिट हाजी अब्दुल अजीज खान को जाता है। गाइड किया शकील ने, हमजा ने गेंद को फील्ड किया, एक रन का इजाफा, और इसी के साथ फैसल का ये ओवर भी इख्तिताम को पहुंचा है। 14 ओवर्स के बाद 71 तक वही बातुरान। एहतिशाम कंटिन्यू करेंगे नौशेरा एंड की जानिब से, शकील है स्ट्राइक पर, अच्छी गेंद, किसी रन का इजाफा नहीं। बैक टू बैक डॉट्स, और रन आउट हो सकता है यहां पर, लेकिन पहुंच चुके थे बैट्समैन, लेग बाइस का इशारा किया है अंपायर साजिद आफरीदी ने।
साजिद आफरीदी और उनके साथ मुनीर अहमद मौजूद है, अंपायरिंग की फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आफाक अब सामना करेंगे एहतिशाम का, गाइड क्या है मिड विकेट की जानिब, 2-2 की कॉल जरूर थी लेकिन हासिल नहीं कर पाएंगे, एक ही रन हासिल कर पाएंगे। हारून की जानिब से फ्लैट थ्रो सीधा आजम फारूक के ग्लव्स में, कवर्स की जानिब के लिए जहां पर दाऊद मौजूद है, एक रन का इजाफा, एक और खूबसूरत ओवर इख्तिताम को पहुंचा है, 3 रन आए हैं इस ओवर में, 15 ओवर्स के बाद 73 5 विकेटों के नुकसान पर, मजीद 5 ओवर्स का खेल बाकी है। बॉलिंग में तब्दीली की जा रही है, फवाद मलूक को अब लाया जा रहा है मर्दान एंड की जानिब से, गेंद करेंगे शकील खान को, फाइन लेग को यहां पर हटा दिया गया है यहां पर इनाम ने, तो ये बहुत बड़ा गैप है। अच्छी गेंद, काफ़ी क्विकर थी, इसे खेलने में नाकाम रहे, स्किट हुई और आजम फारूक की ग्लव्स में आई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फील्डर्स ऑफ साइड पर, फील्डर काफ़ी डीप मौजूद है लेकिन अच्छी फील्डिंग, हमजा बाउंड्री से गेंद के पीछे पहुंचे हैं, एक रन हासिल कर पाया है यहाँ पर बैट्समैन। इस मरतबा कट किया था लेकिन कोई खाते खा रिजल्ट नहीं मिलेगा तकबई बादुरान को, एक हाफ चांस था लेकिन इनाम के पौन से गेंद दूर थी। इस मरतबा का गाइड किया है लॉन्ग ऑन की जानेब, एक रन हासिल किया और इसी पर इतफाक करेंगे दोनों बल्लेबाज, अच्छी फील्डिंग है लॉन्ग ऑन पर मंसूर की जानिब से, इस मरतबा कट किया है लेकिन अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट थर्ड मैन पर साथ की जानिब से सिंगल्स का खेल जारी है, स्ट्राइक को यहां पर रोटेट कर रहे हैं और इस ओवर के बाद सिर्फ 24 गेंदें बाकी होंगी तो यकीनी तौर पर इनमें से कोई एक बैट्समैन फ्री हैंड भी लेगा। फवाद का एक और अच्छा ओवर इख्तिताम को पहुंचा है, 16 ओवर के बाद 76 मजमूई स्कोर तक भाई बातुरान,
बॉलिंग में तब्दीली हमजा को उनकी दूसरा स्पेल करने के लिए लाया है नौशेरा एंड की जानिब से। और पहली गेंद हवा में, हारून वाहिद गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, और हमजा ने अपने दूसरे स्पेल की पहली गेंद पर शकील को आउट किया है। जबरदस्त गेंद, थोड़ी सी तकलीफ महसूस कर रहे हैं हमजा। आज इद्रीस याकूब टीम का हिस्सा नहीं है तगबई बातुरान का, जबकि शहाब शिकारी भी आज टीम का हिस्सा नहीं है। ये दो की प्लेयर्स आज टीम के लिए नहीं खेल रहे, चूंकि आज इतना ज़रूरी मैच भी नहीं था, तो लिहाजा तगबई चाहती थी कि वो अपने यंगर वंस को ट्रस्ट करे, उनके जो बेंच प्लेयर्स हैं उनको ट्रस्ट करे, उन पर थोड़ा सी कॉन्फिडेंस शो करे और उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाए। यासरा प्लेयर शो बैट्समैन हो यासरा, यासरा बैट्समैन सूखते हमजा आए गेंद की और दिफाई अंदाज रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया यहाँ पर आफाक ने। आफाक यहाँ पर अब एक ऐसे बल्लेबाज है जो यकीनी तौर पर रन की रफ्तार को आगे ले जाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मोहम्मद हमजा एक मरतबा फिर दौड़ते हुए आए, अंपायर साजिद आफरीदी को क्रॉस किया, आफाक अहमद सीधा बल्ले के साथ गिरे लेकिन मंसूर इकबाल कुछ नहीं कर पाए और गेंद चार रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। खूबसूरत शॉट आफाक अहमद का, चूंकि जानते थे कि मिड ऑफ सर्कल में मौजूद है। इस मरतबा शॉट ऑफ एलेंड डिलीवरी थी जिसे कवर्स की जानब के लिए और एक खूबसूरत रन हासिल करने में कामयाब हुए। उमर लोधी को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, जो कि पिछले मैच में उन्होंने इनिंग्स को ओपन किया था और आज उन्हें डेथ ओवर्स में मौका दिया जा रहा है।